द नेकलेस स्टोरी में मटिल्डा है एक महिला जिसे एक पार्टी में बुलाया गया है। उसके पास एक बढ़िया ड्रेस है मगर पहनने की खातिर ज्वेलरी नहीं है, तो वह एक सहेली से उधार ले लेती है। तब क्या होता है, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। मटिल्डा एक खूबसूरत जवान औरतों में से एक है जो दुर्भाग्य से क्लर्कों के साधारण परिवार में पैदा हो जाती है। उसके पास ना दहेज था, ना उम्मीदें थी, ना मशहूर होने का और ना ही ऐसे आदमी जो धनवान हो या विशेष हो के साथ प्रेम होने और फिर शादी होने का जरिया था। और उसने स्वयं को एक शिक्षा विभाग के एक साधारण क्लर्क के साथ शादी करने की आज्ञा दे दी। वह सीधी सादी थी परंतु दुखी थी। वह निरंतर दुखी रही यह सोचकर कि प्रत्येक तरह से नजाकतों और विलासिताओं के लिए ही जन्मी थी। वह दुखी थी घर की निर्धनता से, उसकी भद्दी दीवारों और पुरानी कुर्सियों के कारण। इन सब बातों ने उसे पीड़ित कर दिया और गुस्से से भर दिया। जब वह रात के खाने के लिए अपने पति के सामने बैठी तो उसने एक कटोरे से कपड़ा हटाते हुए खुश होकर कहा, ओहो कितने बढ़िया खाट हैं, यानी मालपुए हैं, मुझे इनसे अच्छा और कुछ नहीं लगता। वह भव्य रात्रि भोज समारोहों, चमकीली चांदी के शानदार पात्रों में परोसे गए भोजन के बारे में विचार करती थी। उसके पास ना तो फ्रॉक थी और ना ही पहनने के लिए गहने थे, कुछ भी नहीं था और वह केवल उन्हीं वस्तुओं को पसंद करती थी। उसकी एक अमीर सहेली थी जो धार्मिक संस्था के स्कूल में उसकी सहपाठी थी, जिसके घर पर जाना वह पसंद नहीं करती थी, पर वह दुखी होती थी तब उसके घर से वापस आया करती थी। वह पूरे दिन उदास होकर निराशा से रोती रहती थी। एक शाम उसका पति बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर लौटा। यहाँ, पति ने उससे कहा, यह तुम्हारे लिए कुछ है। मटिल्डा ने छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला और उस पर लिखा हुआ था, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्री और उसकी पत्नी श्रीमती जॉर्ज रामपन्यू श्रीमान और श्रीमती लाइसेल को सोमवार शाम 18 जनवरी को मंत्री के घर पर सादर आमंत्रित करते हैं। बजाय खुश होने के, जैसे कि उसके पति को उम्मीद थी, यह पत्र उसे खुश कर देगा, लेकिन ईर्ष्या से उसने वह पत्र टेबल पर फेंकते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, आप क्या समझते हैं मैं इसका क्या कर सकती हूँ, पर मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि यह तुम्हें खुश कर देगा। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और अब यह एक मौका है और एक बहुत अच्छा मौका है। हर एक आदमी इस मौके का इंतजार करता है और यह तो बहुत ही विशेष मौका है। ऐसे मौके कर्मचारियों को बहुत अधिक नहीं मिलते हैं। तुम वहाँ पर बहुत से अवसरों को देखोगी। उसने गुस्से भरी नज़रों से अपने पति की ओर देखा और जल्दी से कहा, क्या आप जानते हैं ऐसे समय पर मेरे पास पहनने के लिए कौन से कपड़े हैं। उसके बारे में विचार नहीं किया था, वह हकलाकर बोला, क्यों, वो वाले वस्त्र जो तुम्हें सिनेमा में जाने के समय पहना करती हो बड़े अच्छे लगते हैं। उसने अपनी पत्नी की रोनी सूरत देखकर क्या कहा कि क्यों परेशान हो, क्या बात है। उसने अपने गुस्से पर बहुत मुश्किल से काबू पाया और शांत स्वर में बोली, कुछ भी नहीं, केवल बात यह है कि मेरे पास सुंदर वस्त्र नहीं है और यही बात है कि मैं पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ। यह कार्ड किसी और को दे दीजिए जिसकी पत्नी अधिक आकर्षक हो। वह बहुत परेशान था लेकिन उसने कहा, मटिल्डा आओ हम देखें एक बढ़िया पोशाक कितने में आएगी, कुछ ऐसी पोशाक जो अन्य अवसरों पर काम आ सके, कुछ ऐसे वस्त्र जो साधारण हों।
कुछ सेकंड उसने विचार किया उस मूल्य के बारे में जो वह रुक कह सके और जिसे एक मितवई भयभीत कलंक मना ना कर सके। आखिर में एक झिझक भरी आवाज़ में उसने कहा, मैं सही सही तो कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है 400 फ्रैंक में काम चल जाएगा। वह कुछ पीला पड़ गया, क्योंकि उसने वह धन एक बंदूक खरीदने के लिए बचाया था ताकि वह अगली ग्रीष्म ऋतु में किसी शिकारी दल में शिकार के लिए जा सके, कुछ मित्रों के साथ जो रविवार को पक्षियों का शिकार करते हैं। फिर भी उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, लेकिन एक अच्छी पोशाक खरीदने का प्रयास करना। नृत्य पार्टी का दिन नज़दीक आ गया और मैडम लाइसिल परेशान दिख रही थी, दुखी और चिंतित भी थी। यद्यपि उसके कपड़े लगभग तैयार हो चुके थे, उसके पति ने एक शाम को उससे कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम 2 या 3 दिन से अलग व्यवहार कर रही हो। और उसने उत्तर दिया, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गहना नहीं है, कुछ भी नहीं स्वयं को सजाने के लिए। मेरी सूरत गरीबी से पीड़ित दिखाई देती है, मैं उस पार्टी में नहीं जाना पसंद करूंगी। पति ने जवाब दिया, तुम अच्छे प्राकृतिक फूलों को लगा सकती हो, इस मौसम में वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। नहीं, उसने कहा, इससे बढ़कर बेइज्जती करने वाली कोई और बात हो ही नहीं सकती कि एक बुरी सूरत लिए उन अमीर औरतों में जाऊँ। फिर उसके पति ने जोर से बोलते हुए कहा, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ और अपनी सखी मैडम फ्रास्टियर की तलाश करो और उससे अपने गहनों को उधार देने को कहो। वह प्रसन्नता से चिल्लाई, सच है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अगले दिन वह सखी के घर पहुंची और उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। श्रीमती फ्रास्टियर अपनी अलमारी की ओर गई और एक गहनों का बॉक्स बाहर ले आई, कहा कि चुन लो मेरी प्रिय सहेली। पहले कुछ कंगनों को देखा, फिर मोतियों के पट्टों को देखा और फिर उसने सोने के वेनेशियन क्रॉस और सराहनीय कारीगरी वाले गहनों को देखा। उसने शीशे के सामने गहने लगाकर देखे, झिझकी, लेकिन ना तो उन्हें लेने का और ना ही छोड़ने का निर्णय कर पाई। तब उसने पूछा, क्या आपके पास और नहीं है? क्यों, हाँ है, तुम ही खुद देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन से गहने प्रसन्न करेंगे। अचानक उसने एक काले निशान वाले एक बक्से में से बहुत अच्छा हीरों का हार देखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने कपड़ों के साथ उसे गले लगाया और बहुत अधिक खुशी से खड़ी रह गई। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे यह उधार दे सकती हैं? केवल यह? क्यों, हाँ, जरूर दे सकती हूँ। वह अपनी सखी के गले जा लगी और उसे स्नेहपूर्वक बाहों में भर लिया और तब उसके कीमती खजाने को ले गई। नृत्य पार्टी का दिन आ गया। श्रीमती लाइसल को बहुत सफलता मिली। वह सभी महिलाओं से अत्यधिक सुंदर, शान वाली, सुहावनी मुस्कान वाली और खुशी से पूर्ण लग रही थी। सभी व्यक्तियों ने उसे ध्यान से देखा और उसका नाम पूछा और उसने मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह खुशी से नाच रही थी, उत्साह से चूर रही थी। इस प्रशंसा के अलावा उसे किसी भी बात का और विचार नहीं था। वह जीत उसके हृदय के लिए बहुत महान और अच्छी थी। सुबह 4 बजे के करीब वह घर गई। उसका पति छोटे से सैलून में आधी रात से आधी नींद में सो रहा था। कुछ दूसरे 2 या 3-4 मित्रों के साथ, जिनकी पत्नियां बहुत मज़ा ले रही थीं। उसने वे लज्जा से भरे कपड़े, शॉल उसके कंधों पर रख दिए जिन्हें वे अपने साथ लाए थे, जिनकी गरीबी नृत्य के वस्त्रों की सुंदरता से टकरा रही थी। मटिल्डा वहाँ से जल्दी दूर चले जाना चाहती थी ताकि दूसरी महिलाएं जो महंगे फरों को पहने हुए थी उसको देख ना पाएं।